मंजमल बॉयज एक 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जुबान की बकाव की थ्रिलर फिल्म है जिसे चेत मेबरे ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बाल वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम राधा कृष्णन, लोरोन कोरियन, खाले रहमान, चंद्र सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्ची वाकई पर मंबी फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई किनाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनियो स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ बासी, बाल वर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024, वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल, बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी जिससे सामईन और नाकदीन की जान से मुस्बत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीडिया से तमिलनाडु के कुडाई किनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कुडाई किनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर जो छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूचीखाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त आने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जो इसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मुआयना करने के बाद मशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीद है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वकुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेवी ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजों को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो चीजी को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वो सिबाश की आवाज सुन सकता है
और कहता है कि वो वहाँ से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सिजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सिजू इस बाज को खून में लथपथ दिख रहा पड़ा हुआ देख पाता है। सिजू इस बाज को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सिजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सिजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद चिदम्बरम का दूसरा था प्रवा 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 रिपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें सावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भाजी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। शिजू खाली मुसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का स्कोर साउंड चेक सिशिन शान ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर बेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी अनबडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तोसीक की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के इख्तिताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहारा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत और खानदानी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक और मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका की थ्रिलर फिल्म है जिसे चंद मेबर ने लिखा हिदायतकारी किया और प्रवास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शहीर श्रीनाथ भासी बालू वर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्णन और रोन कोरियन खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनू
रैग और शेबिन रैग शाम रात 2006 के एक सच्ची वाकई पर मंबी फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों जाने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा सोबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीरान शान एंटोनियो स्टारिंग सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी बाल वर्गिया गणपति एस पड़वाल राल जूनियर दीपक राम बोल इब्राहिम राधा कृष्ण रोन कोरियो खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेखव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया म्यूजिक वजिया शीशीन श्याम पहलवार कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024 वक्त 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामईन और नाकदीन की जान से मुस्बत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसी रियाज से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंचकर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाश दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं वो जवाब देगा। वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होता है। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीर है लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सिबाश को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक करने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सिबाश को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतार जाता है और रास्ते में वो चीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी लेकिन सीजू का कहना है कि वो सिबाश की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सिबाश को खून में लथपथ एक किनारे पर पड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सिबाश को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सिबाश को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाश का ज्यादा
अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते, करने का फैसला करते हैं और सिबाश को गिरने के सदमे में गिरना पड़ता है। और वो शुरू में ही नहीं सो पाता, लेकिन थ्रोपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सिबाश को बचाता है जो तमिलनाडु गया था, और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। काश प्रोडक्शनरी डेवलपमेंट डैडी इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वो जनवरी में 2021 के बाद जल्दी का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 और बेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें तावन में सुबह शहर श्रीनाथ भाजी को मरकज के दाद अदा करने के लिए किया गया था। और सोबीन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। इसमें रुकया फिर शिजु खाली मुसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चैलेस्ट्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट्री ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का स्कोर साउंड चेक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाने के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्तितम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावज किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहारा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत रखांदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बका की थ्रिलर फिल्म है जिसे चंद मेबर ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर श्रीनाथ भासी बालू वर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्णन लोरोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनु रैग और शेबनु रैग शामिल हैं। 2006 के एक सच्चे वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई किनाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं।
मंजमल बॉयज सैटेलाइट इस पर चल मेमन की तरफ से हिदायत की गई, चल मेमन की तरफ से तहरीर करदा सोबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीरान शान एंटोनियो स्टारिंग सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी बाल वर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेखव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया म्यूजिक वजिया शीशीन श्याम पहलवार कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024 वक्त 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप पड़ोसी रियासत तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहाँ वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर जो छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को स्थान का बरूचीखाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज़्यादा लंबा है। इससे भी ज़्यादा खौफज़दा होकर दोस्त थाने पहुँच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुँच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्ज़ाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल का खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया को सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सिबाश को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक करके गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वकुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में चीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह चीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सिजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सिजू का कहना है कि वो सिबाश की आवाज़ सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सिजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सिजू सिबाश को खून में लथपथ एक किनारे पर उड़ा देख पाता है। सिजू सिबाश को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सिबाश को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाश का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सिबाश को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है।
और वो शुरू में ही नहीं सो पाता, लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सिबाश को बचाता है जो तमिलनाडु गया था, और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद चित्रमण का दूसरा था पूर्व 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 रुपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवी तावन में सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकजी का दादा करने के लिए किया गया था। और सुबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। इसमें टोग्राफी शीजू खाली मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई के नाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दी शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुची और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक और म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड ट्रैक मंजमल बॉयज का साउंड ट्रैक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडान ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाना के तामल गुना का भी बार तस्करा किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटर में रिलीज की तौसीक की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाए। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एडी अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया। जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत और खानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका के थ्रिलर फिल्म है जिसे चंद मेबर ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी बालवर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोरोन कोरियन खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनु रैग और शेबनु रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट प्रोड्यूसर चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई। चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीद शान एंटोनियो स्टारिंग सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी बालवर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोन कोरियन खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन
विष्णव रेघव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पहलवार कंपनी पैरा व फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024। 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामईन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसी रियाज से तमिलनाडु के कुड़ाई किनार के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कुड़ाई किनार का जायजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनागारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धूत बुलंद और खुश दोस्त गुनागारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर से छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा। वो मुकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनागारों को स्थान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और सिर्फ जाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मुआयना करने के बाद मिशा दिया को सिबाज को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बजाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाज की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सिबाज को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक अगर गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वकुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सिबाज को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिच जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो चीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वह चीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सिजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सिजू का कहना है कि वह सिबाज की आवाज़ सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सिजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सिजू सिबाज को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सिजू सिबाज को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबीयत इमदाद हासिल करने के बाद सिबाज को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाज का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सिबाज को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सिजू को सिबाज को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सिजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने
इतला दी थी कि वो जनवरी में 2021 के बाद चिदम्बरम का दूसरा था, पूर्व 2017 का मलू नार्स दो वायरस, 2019 रुपेश महापुरम, 2022 के बाद इनके पांचवें सावन में सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकज का दर्जा अदा करने के लिए किया गया था। और सुबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। शीजू खाली मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चैलेस्ट्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड ट्रैक, मंजमल बॉयज का स्कोर साउंड ट्रैक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बार जिक्र किया गया। खास तौर पर गाने कन्मानी अनबडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तोसीक की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया। जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत और खानदानी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक और मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बकाव की थ्रिलर फिल्म है जिसे चंद मेबर ने लिखा हिदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी बालू वर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्णन और रोन कोरियन खाले रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई। चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीर शान एंटोनियो स्टारिंग सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी बालवर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण रोन कोरियन खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेघव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने विवेक हर्षन की तरफ से एडिट किया म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024 वक्त 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने
मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। इससे सामईन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीडिया से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर जो छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंचकर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा। वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को स्थान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त आने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मुआयना करने के बाद मिशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीर है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेवी ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो चीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वो सिबाश की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सिबाश को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सिबाश को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबीयत इमदाद हासिल करने के बाद सिबाश को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाश का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सिबाश को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सिबाश को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्द निर्माण का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स दो वायरस 2019 रुपेश मापुरम 2022 के बाद इनके 5वें 52 में सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई
बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे रहा। फिल्म जाने के साथ भी तैयार किस्मेटोग्राफी शीजू खाली मसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहारा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत रखांदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका की थ्रिलर फिल्म है जिसे चैत मेबरी ने लिखा हिदायतकारी किया और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर श्रीनाथ भासी बालू वर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्णन लोरोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनु रैग और शेबनु रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पोस्टर चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई। चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीद शान एंटोनियो स्टारिंग सुबिन शहीद श्रीनाथ बासी बालवर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेघव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने विवेक हर्षन की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहे 22 फरवरी 2024 वक्त 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक
फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप पड़ोसी रियाल से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का जायजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। घर से छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चट्टानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिपाही दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगार को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुबाश को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक करके गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचक जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतार जाता है और रास्ते में वो चीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह चीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सिजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सिजू का कहना है कि वो सिबाश की आवाज़ सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सिजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सिजू सिबाश को खून में लथपथ एक किनारे पर उड़ा हुआ देख पाता है। सिजू सिबाश को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सिबाश को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाश का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाकये के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सिबाश को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थ्रोपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सिजू को सिबाश को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सिजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट एडी इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जनवरी का दूसरा था पूर्व 2017 कमल नार्स दो वायरस 2019 रुपेश मापुर 2022 के बाद इनके पांचवें सावन में सुबह शहर श्रीनाथ भाजी को मरकजी का दादा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमाटोग्राफी शिजू खाली मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चले को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था।
फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्टी ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सुबिन शाहिर ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाने के तामल गुना का भी बार जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने मानी बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के FPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सीख की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाए। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया। जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत और खानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बका की थ्रिलर फिल्म है जिसे चेत मेबरे ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर श्रीनाथ भासी बालवर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोरोन कुरियन खालिद रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनु रैग और शेबनु रैग शामिल है। 2006 के एक सच्ची वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई किनाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट प्रोड्यूसर चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई। चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीद शान एंटोनियो स्टारिंग सुबिन शहीर श्रीनाथ भासी बालवर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण लोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेघव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया सुशीन श्याम पैदवार कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024 वक्त 4:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी जिससे सामीन और नाकदीन की जान से मजबूत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीड रियासत तमिलनाडु के कुडाई किनारे के दूसरे भाग पर रवाना हुआ।
ये खुदाई के नाल का जायजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां मुझे का कायम गना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर जो छुपे हुए खतरे को आसार हैं लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल का खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया को सिबाज को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बचाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाज की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक अगर गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन यह देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचक जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वह चीजी को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वह सिबाश की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू इस बाज को खून में लथपथ एक किनारे पर पड़ा हुआ देख पाता है। सीजू इस बाज को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सिबाज को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सिबाज का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सिबाज को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सिबाज को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल बाद से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्द निर्माण का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू ने आर्ट्स वायरस 2019 रेश मापुरम 2022 के बाद इनके 5वें 57 में सुबिन शहीर श्रीनाथ भाजी को मरकज किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सुबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। शीजू खाली मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई के नाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक
मरकजी मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक, मंजमल बॉयज का सर स्कोर साउंड चेक सिशिन शान ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाने के तामिल गुना का भी बार जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी अनबडो कदहलन के जरिए रिलीज है। मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले बीटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सीख की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया। जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज़ कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% तरतीब दिया गया जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत रखानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका की थ्रिलर फिल्म है जिसे चेत मेबर ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर श्रीनाथ भासी बालू वर्गीज गणपति एस पोडवाल अर्जुन दीपक परम्बोल इब्राहिम राधा कृष्णन और रोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सचिव वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का रास्ता फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई। चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा बाबू शहीरान शान एंटोनियो स्टारिंग सुबिन शहीर श्रीनाथ बासी बाल वर्गिया गणपति एस पोडवाल राल जूनियर दीपक रामबोल इब्राहिम राधा कृष्ण रोन कोरियन खाल रहमान चंद्र सलीम कुमार शिवेन बेंसन विष्णव रेखव सिनेमाटोग्राफी शेजू खालद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार कंपनी परम्परा व फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024 वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़ बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से मजबूत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीडिया से तमिलनाडु के कुड़ाई किनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कुड़ाई किनाल का जायजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनुमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर छुपे हुए खतरे को
आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिपाही दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है, और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था, और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था, और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त आने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है, और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है, और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल का खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था, और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मुआयना करने के बाद मिशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीद है, लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शक अगर गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है, लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है, लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेवी ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिच जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो चीजी को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी, लेकिन सीजू का कहना है कि वह सिबाश की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है, और आखिरकार सीजू इस बाज को खून में लथपथ किनारे पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू इस बाज को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सिबाश को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ सिबाश का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं, और सिबाश को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है, और वो शुरू में ही नहीं सो पाता, लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सिबाश को बचाता है जो तमिलनाडु गया था, और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल बाद इसे तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्द निर्माण का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स दो वायरस 2019 रुपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें तावन में सुबी शहर श्रीनाथ भासी को मरकज का दादा करने के लिए किया गया था, और सुबीन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमाटोग्राफी शिजू खाली मुसीकार सुबीन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चैलेस्ट्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट्री ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सिशिन शाह ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन मानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट
मंजमन बॉयज़ को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री। अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमू और 3.9 करोड़ का मजमू कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 4.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत रखांदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक और मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका के थ्रिलर फिल्म है, जिसे चैत मेबरी ने लिखा हिदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्णन, लोरोन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पोस्टर चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीर, शान एंटोनियो स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ भासी, बालवर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोरन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया शीशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024 वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसी रियासत तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे वाक पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनागारों के बारे में बताता है, जहाँ वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धूत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो
सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिपाही दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं वो जवाब देगा। वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगार को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होता है। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया कि वो सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीर था। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक करने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन यह देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। सीजू को सुराख से नीचे उतार जाता है और रास्ते में सीजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खर्चा आता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वह सिबाश की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक किनारे पर पड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सुभाष को बाजियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में इकट्ठा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थ्रोपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट एडी इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जनवरी का दूसरा था पूर्व 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 और बेश मापुरम 2022 के बाद इनके 5वें 57 में सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमाटोग्राफी शीजू खाली मसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाने का तमिल गुना का भी बार जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से
मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की, जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाए। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री, अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्तितम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावज किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा, बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों, मजबूत और खानदानी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक और मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका की थ्रिलर फिल्म है, जिसे चैत मेब्रे ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है, जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोरोन कुरियन, खालिद रहमान, चंद्र सलीम कुमार, शेबनु रैग और शेबनु रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाकई पर मंबी फिल्म कूची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पोस्टर चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सोबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनिया स्टारिंग, सोबिन शहीर, श्रीनाथ बासी, बाल वर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया शीशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024, वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल, बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी, जिससे सामीन और नाकदीन की जान से मजबूत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप पड़ोसी रियासत तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है, जहाँ वो जगह कायम गना की शूटिंग हुई थी। नशे में धूत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरफ से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस
भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मुकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल का खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और सिर्फ जाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिश्रा दिया को सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बजाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक अगर गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सड़क के अंदर से खौफ ज्यादा है। लेकिन यह देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचक जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराख से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वह चीजी तेजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सुभाष को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल बाद इसे तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्दी का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 रुपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें सावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भाजी को मरकज के दादा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमेटोग्राफर शिजू खाली मुसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक और म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड ट्रैक मंजमल बॉयज का साउंड ट्रैक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडान ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तामल गुना का भी बार जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था कि केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सीख की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग
1.47 करोड़ कमाए। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री, अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजुमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों, मजबूत रखांदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बकाव की थ्रिलर फिल्म है, जिसे चैत मेबर ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है, जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोरोन कोरियन, खाले रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्ची वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीर, शान एंटोनियो स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ भासी, बालवर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया शीशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024, वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल, बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी, जिससे सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई, जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीडिया से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनागारों के बारे में बताता है, जहाँ मुझे कायम गना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनुमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता, वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं।
मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था। और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त आने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जो इसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रद्द नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मुआयना करने के बाद मिशा दिया कि सुभाष को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बचाने है। लेकिन जल्दी सुभाष की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक अगर गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन सुभाष को निकालने के लिए सुराग के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेवी ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचक जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजू को सुराग से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो चीजी को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सुभाष को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल बाद से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद चिदम्बरम का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 रमेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें तावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भाजी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। शीजू खाली मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चैलेस्ट्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट्री ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का स्कोर साउंड चेक सिशिन शान ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 1991 के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी अनबडो कदहलन के जरिए रिलीज आई मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तोसीक की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया।
जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 4.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्तितम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावुज किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावुज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहारा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों, मजबूत रखांदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक और मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजम्मल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका के थ्रिलर फिल्म है, जिसे चंद मेबर ने लिखा हदायतकारी किया और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है, जिसमें सोबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्णन, लोरोन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजम्मल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों गुजारने का रास्ता फैसला करते हैं। मंजम्मल बॉयज सैटेलाइट पर चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सोबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनियो स्टारिंग, सोबिन शहीर, श्रीनाथ भासी, बालवर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024, वक्त 135 मिनट, मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल, बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी, जिससे सामईन और नाकदीन की जानब से मुस्बत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसी रियाज से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है, जहाँ वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजम्मल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें
महदूद इलाके में पहुंच जाने पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कब्र मरकजी वजीर का भतीजा था और सिर्फ जाने के लिए तमाम गोते इकट्ठी हो गई लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया को सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद आप जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बजाने बजीद है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन निशा क्या कहते गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी वाया जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन उस सुभाष को निकालने के लिए सुराग के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त सचिव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचक जाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। सचिव को सुराग से नीचे उतार जाता है और रास्ते में वो सचिव को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खर्चा होता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वो सचिव को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वो सचिव के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सचिव का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सुभाष को बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबीयत मददाज करने के बाद सुभाष को इनके बाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। 2 साल बाद तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद चिल्मीमरण का दूसरा था। पूर्व 2017 कमल नार्स द वायरस 2019 और बेश मापुरम 2022 के बाद इनके 5वें 52वें में सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पर फिल्म जाने के साथ भी तैयार किया। सिनेमाटोग्राफर शिजू खाली मुसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेश्वरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेश्वरी ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सुशीन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाने के तामल गुनाह का भी बात जिसका किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज आई। मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस आईडी अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़।
फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावज किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजुमल ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहारा। बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों, मजबूत रखानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजुमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बका के थ्रिलर फिल्म है, जिसे चंद मेबरे ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है, जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्णन, लोरोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाकई पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजुमल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजुमल बॉयज सैटेलाइट पोस्टर चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनिया स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ भासी, बाल वर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघ। सिनेमाटोग्राफी शेजू खालद ने विवेक हर्षन की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया शीन श्याम पहलवार। कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024। वक्त 135 मिनट में हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप पड़ोसी रियासत तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनागारों के बारे में बताता है, जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनागारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। अगर जो छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजुमल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता, वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनागार को शैतान का बरूचीखाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती।
आखिरकार कत्ल होने के बाद अर्जुन की मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और सिर्फ जाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया को सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है लेकिन इसे दोस्त बिलानबाजी है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं लेकिन शक गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सुराग के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त डेव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते हैं लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजों को सुराग से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में तेजू को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा देख पाता है। सीजू सुभाष को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्द निर्माण का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलयालम नाट्स द वायरस 2019 रिपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें सावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकज के दादा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमाटोग्राफी शीजू खाले मौसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेसरी को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई के नाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दी शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुची और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेसरी ने बनाया। म्यूजिक और म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड ट्रैक मंजमल बॉयज का साउंड ट्रैक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें 2 ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडान ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में उन्हें सिकाना के तामल गुना का भी बार जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था कि केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सीख की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एडी अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए।
पहले हफ्ते के इख्तिताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावज़ किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज़ कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजुमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60% हिस्सा तरतीब दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों, मजबूत रखानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तल्लुक को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की बका के थ्रिलर फिल्म है, जिसे चैत मेबरे ने लिखा हदायतकारी की और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है, जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बाल वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोरोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मंबी फिल्म कोची के करीब मंजमल बुनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियां गुजारने का फैसला करते हैं। मंजमल बॉयज सैटेलाइट पर से चल मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चल मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनियो स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ बासी, बाल वर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खाल रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेखा, सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने, विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया, म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार, कंपनी पैरा वाह फिल्म, ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहा 22 फरवरी 2024, वक्त 1:35 मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जान से जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एट 2006 में कुछ के एक आर्टिस्ट आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप पड़ोसी रियासत तमिलनाडु के कुडाई किनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कुडाई किनाल का जायजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनाहगारों के बारे में बताता है, जहां वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धुत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजमिल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरह बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता, वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था और अब तक 14-13 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूचीखाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त आने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ, एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताते हैं कि आखिरी शख्स जो इसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई रात नहीं कर सका।
आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मैं शायद दिया को सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद आप जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बयानबाजी है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन को बचाने की कोशिश कर मुजरिम ठहराया जाता है। वह सुभाष को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नशा क्या कहते हैं गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है। फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी जाए वो कुआ पर बुलाया जाए गया है, लेकिन वह सुभाष को निकालने के लिए सुराख के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन यह देखकर एक दोस्त डेविड ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिच जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। चीजों को सुराख से नीचे उतार जाता है और रास्ते में वो चीजी को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खच जाता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वह सीजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वह सीजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सीजू का कहना है कि वह सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सीजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सीजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सीजू सुभाष को बाजियाब करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबीबी इमदाद हासिल करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता, लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सीजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सीजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद चिल्मीमरण का दूसरा तपरवा 2017 का मलू नार्स द वायरस 2019 रेशमापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें तावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भाजी को मरकज का दादा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की सिनेमाटोग्राफी शीजू खाली मुसीकार सुबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चलेश्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनार में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आस पास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलेश्री ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजुमल बॉयज साउंड चेक मंजुमल बॉयज का स्कोर साउंड चेक सिशिन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बार तस्कर किया गया है। खास तौर पर गाने कन्मानी अनबडो कदहलन के जरिए रिलीज एडिट मंजुमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार KFPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तोसीक की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई। इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एडिट अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ किया जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की।
मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजुमल वाज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए। 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बेकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तर तीप दिया गया, जो मकामी सामीन के साथ जुड़ी हुई पुरानी यादों मजबूत रखानदी सामीन और नौजवानों के साथ जज्बाती तलों को मकबूल हवाला जात को करार दिया। मंजुमल बॉयज 2024 की हिंदुस्तानी मलयालम बान की बकाव की थ्रिलर फिल्म है, जिसे चंद मेबर ने लिखा हिदायतकारी किया और प्रभास फिल्म ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में एक जोड़ कास्ट है जिसमें सुबन शेर, श्रीनाथ भासी, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडवाल, अर्जुन, दीपक परम्बोल, इब्राहिम, राधा कृष्णन, लोरोन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शेबनू रैग और शेबनू रैग शामिल है। 2006 के एक सच्चे वाक्य पर मुंबई फिल्म कोची के करीब मंजुमल बनामी एक छोटे से कस्बे के दोस्तों के एक ग्रुप के गिर्द घूमती है, जो कि कोडाई के नाल में छुट्टियों जाने का फैसला करते हैं। मंजुमल बॉयज सैटेलाइट पर से चंद मेवन की तरफ से हिदायत की गई, चंद मेवन की तरफ से तहरीर करदा, सुबिन शहीर की तरफ से तैयार करदा, बाबू शहीरान, शान एंटोनियो स्टारिंग, सुबिन शहीर, श्रीनाथ भासी, बालवर्गिया, गणपति एस पोडवाल, राल जूनियर, दीपक रामबोल, इब्राहिम, राधा कृष्ण, लोन कोरियन, खालिद रहमान, चंद्र, सलीम कुमार, शिवेन बेंसन, विष्णव रेघव। सिनेमाटोग्राफी शेजू खालिद ने विवेक हर्षण की तरफ से एडिट किया। म्यूजिक वजिया सिशीन श्याम पैदवार। कंपनी पैरा वह फिल्म ड्रीम बुक फिल्म के जरिए गोकुलम मूवीज के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रही 22 फरवरी 2024। वक्त 135 मिनट मुल्क हिंदुस्तानी जबान ने मलयालम और तमिल बजट 20 करोड़। बॉक्स ऑफिस 214 करोड़। ये फिल्म थिएटर में 22 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सामीन और नाकदीन की जानब से मुस्बत जायजे मिले थे। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म बन गई जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा कमाई की गई और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम किए। 2018 तक फिल्म कायम किए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई और साथ ही तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से बन गई। प्लॉट एड 2006 में कुछ के एक आर्ट्स क्लब से दोस्तों का एक ग्रुप प्रोसीडिया से तमिलनाडु के कोडाईकनाल के दूसरे भाग पर रवाना हुआ। ये कोडाईकनाल का वजाजा लेते हैं और जाने से पहले एक दोस्त गुनागारों के बारे में बताता है, जहाँ वो जगह कायम गुना की शूटिंग हुई थी। नशे में धूत बुलंद और खुश दोस्त गुनाहगारों के तक पहुंच जाते हैं और सेहती रहनमा डोमेंटिक की तरह से इंतबाह के बावजूद गारों के महदूद इलाकों को खुद ही दरियाफ्त करने का फैसला करते हैं। गर्जे छुपे हुए खतरे को आसार हैं, लेकिन दोस्त मजीद तलाश करते हैं। एक मकाम पर पहुंच कर चंद दोस्त गारों के अंदर चिटानों पर एक ग्रुप का नाम मंजुमल बॉयज रखने का फैसला करते हैं। इसी दीवार पर लिखने के बाद दोस्त पुकारते हैं कि वो बाकी लड़कों को दिखाएं जो दूसरी तरफ से तलाशी कर रहे हैं तस्वीर लेने के लिए, और वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। सिबाज दोस्तों में से एक की तरफ बढ़ते हुए जमीन में ढके हुए सुराख में गिर जाता है और इंतहाई तौर पर कोई ये समझता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो इसे कई बार पुकारने के बाद भी ख्वाब नहीं देता वो सबसे घबराने लगते हैं। इब्तदाई झटके के बाद और कुछ मदद लेने के लिए वापस भागते हैं और दूसरे पीछे रहते हैं और इसकी उम्मीद पर इसे पुकारते हैं रहते हैं। वो जवाब देगा, वो मकामी लोगों को क्या हुआ वो इसे आगाह करते हैं, उनकी मदद के लिए कहते हैं और पुलिस स्टेशन और फास्ट गार्ड के पास जाने का मशवरा देते हैं। मकामी लोग इन्हें ये भी बताते हैं कि खसूसी मखसूस इलाका किसी वजह से लोगों के लिए महदूद था। अब तक 14 अफराद इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा या मुर्दा नहीं निकाला गया। वो बताते हैं कि अंग्रेजों में गुनाहगारों को शैतान का बरूची खाना कहा गया था और ये सुराख 900 फीट से ज्यादा लंबा है। इससे भी ज्यादा खौफजदा होकर दोस्त थाने पहुंच जाते हैं और इन्हें महदूद इलाके में पहुंच जाने में पेटा मारा जाता है और इन पर इनके दोस्त कत्ल और झूठी शिकायत देने का इल्जाम है और कोई भी मदद नहीं की जाती। आखिरकार कत्ल होने के बाद और इनकी मदद करने नाकामी लोगों की रद्दअमल के खौफ एक पुलिस अफसर इनके घर में जाने के लिए राजी होते हैं। रास्ते में बताता है कि आखिरी शख्स जिसमें गिरा था वह तकरीबन 10 साल से कबर मरकजी वजीर का भतीजा था और इसे बचाने के लिए तमाम कोते इकट्ठी हो गए, लेकिन कोई रात नहीं कर सका। आखिर में सुराग का मायना करने के बाद मिशा दिया कि सिबाश को छोड़ दें क्योंकि शायद अब जिंदा नहीं है, लेकिन इसे दोस्त बचाने वजीर है। लेकिन जल्दी सिबाश की चीखें सुनते हैं और पुलिस को बिन के बचाने की कोशिश का मुजरिम ठहराया जाता है। वह सिबाश को पकड़ने के लिए रस्सी को नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शक गिरने के बाद रस्सी को पकड़ने में हालत में नहीं है।
फायर डिपार्टमेंट और मजीद पुलिस अफसरान को भी वाया जाए वकुआ पर बुलाया जाए गया है, लेकिन उस बाज को निकालने के लिए सड़क के अंदर से कई खौफ ज्यादा है। लेकिन ये देखकर एक दोस्त सचिव देव ने नीचे जाने का फैसला किया। पुलिस अफसरान शुरू में हिचकिचाते जाते हैं, लेकिन आखिरकार दोस्तों मकामी लोगों के समझाने के बाद राजी हो जाते हैं। सचिव को सुराग से नीचे उतारा जाता है और रास्ते में वो सचिव को नीचे किया जाता है। खत्म होने के बाद पुलिस को क्योंकि खर्चा आता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वो सिजू को खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है और वो सिजू के खतरे को लेने के लिए तैयार नहीं है जिनकी भी। लेकिन सिजू का कहना है कि वो सुभाष की आवाज सुन सकता है और कहता है कि वो वहां से नहीं छोड़ सकता। पुलिस मजीद रस्सी का बंदोबस्त करती है और सिजू को मजीद नीचे फेंक देती है और आखिरकार सिजू सुभाष को खून में लथपथ एक नल पर उड़ा हुआ देख पाता है। सिजू सुभाष को बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है और दोस्त इन्हें बाकी कामयाबी में घटा लेते हैं। करीबी क्लिनिक से इब्तदाई तबीयत मददाज करने के बाद सुभाष को इनके भाई शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ सुभाष का ज्यादा अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। वो इस वाक्य के बारे में किसी को नहीं बताते करने का फैसला करते हैं और सुभाष को गिरने के सदमे का गिरना पड़ता है और वो शुरू में ही नहीं सो पाता, लेकिन थेरेपी पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगता है। बाद में ये खबर सुनने को आती है कि सिजू को सुभाष को बचाता है जो तमिलनाडु गया था और सिजू को इसकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। दो साहब से तकमा से नवाजा जाता है। कास्ट प्रोडक्शन आईडी डेवलपमेंट आईडी। इस मनसूबे को इब्तदाई तौर पर जनवरी 2023 में न्यू आयलैंड एक्सप्रेस ने इतला दी थी कि वह जनवरी में 2021 के बाद जल्द निर्माण का दूसरा था। पूर्व 2017 का मलू नार्स दो वायरस 2019 रुपेश मापुरम 2022 के बाद इनके पांचवें तावन में सोबिन शहीर श्रीनाथ भासी को मरकजी किरदार अदा करने के लिए किया गया था और सोबिन ने अपने भाई बाबू और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर शाइन एंड टोनी के साथ इनका पहले प्रोडक्शन हाउस पे और फिल्म जाने के साथ भी तैयार की। सिनेमेटोग्राफी शिजू खाली मुसीकार सोबिन शहीद एडिटर विवेक चंद्र हर्षन और प्रोडक्शन डिजाइनर अर्जुन चैलेस्ट्री को तकनीकी अमले के एक हिस्से के तौर पर ऐलान किया गया था। फिल्म बंदी एडिट प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 26 जनवरी 2023 को कुडाई किनाल में हुआ और 17 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुआ। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 101 काम के दिनों में मुतअद्दिद शेड्यूल्स में की गई थी। कुछ मनाजर कुछ और प्रेम बाबर में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि गार और इसके आसपास का सेट दरअसल प्रोडक्शन डिजाइनर जियान चलिस्ट्री ने बनाया। म्यूजिक एंड म्यूजिक मरकज मजमून मंजमल बॉयज साउंड चेक मंजमल बॉयज का साउंड चेक सुशीन श्याम ने तरतीब दिया। इसमें दो ट्रैक्स हैं जिन्हें प्रदीप कुमार और रैपर वेडा ने गाया है। इस गाने के बोल अनवर अली और विदान ने लिखे हैं। इस फिल्म में 19 गाने के तमिल गुना का भी बात जिक्र किया गया है। खास तौर पर गाने कनमानी एंड बडो कदहलन के जरिए रिलीज है। मंजमल बॉयज को थिएटर में 22 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म की थिएटर में रिलीज से पहले एग्जीबिटर्स यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला FUOK में ऐलान किया गया था। केरला फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन KFPA और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सिनेमाघरों में नुमाइश करने के फैसले की वजह से मलयालम सिनेमा मलयालम जबान की फिल्मों की नुमाइश रोक देंगे। वो फिल्म जो 42 दिनों में कम वक्त में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आखिरकार के FPA ने मखसूस थिएटरों में रिलीज की तो सी की जिसमें मुआहदे के मुआहदों पर अमल किया। फिल्म की रिलीज से पहले इसने केरला में एडवांस बुकिंग से 1.47 करोड़ कमाई इस्तकबालिया बॉक्स ऑफिस एंट्री। अपने रिलीज से पहले दिन फिल्म ने 3.3 करोड़ का खालिस मजमुआ और 3.9 करोड़ का मजमुआ कमाया, जबकि बैरून मुल्क मार्केटों से 2.1 करोड़ भी कमाया। दूसरे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया, जो पिछले दिन रिलीज की तारीख मुकाबले में 1.52% की मामूली कमी है। लेकिन तीसरे और चौथे दिन इसने तकरीबन 4.25 करोड़ कमाए और 7.75 करोड़। फिल्म ने घरेलू इलाकों में रिलीज से पहले 4 दिनों में 15.5 करोड़ कमाए, जबकि 13.25 करोड़ भी कमाए। पहले हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा तजावज किया, जिसने मकामी तौर पर 28 करोड़ और बैरून मुल्क से 22 करोड़ की कमाई की। मार्च 2024 तक फिल्म 100 करोड़ से तजावज कर गई। 21 मार्च 2021 को मंजूमल वाइज ने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ कमाए हैं। तमिलनाडु में फिल्म ने पहले हफ्ते के आखिर में
बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ कमाए 10 दिनों के अंदर फिल्म ने 15 करोड़ कमाए। इस तरह रियासत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई। फिल्मी तजुर्बाकार और नुमाइश कंदगान ने फिल्म की कमाई कामयाबी का सहरा बुनियादी तौर पर फिल्म का 60 तमिल हिस्सा तरतीब दिया गया जो मकान